हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जुपिटर वैगन्स लिमिटेड की कंपनी। आज थोड़ा सा न्यूज आई जिसकी वजह से आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक शेयर में जंप लगाती हुई दिखाई दी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी बातें करेंगे, क्या न्यूज थी, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल सब चीज जानेंगे, चार्ट्स पैटर्न से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पर फोकस करना है। और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोज है, जाके वीडियोज देखिए, एक एक करके वीडियोज देखेंगे, काफी कुछ समझ में आएगा, क्लियरिटी मिलेगी। साथ में कोर्स है, अगर वाकई स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो, समझना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, पैसे बनाना चाहते हो सच में, है ना, और बिना फ्यूचर ऑप्शंस के, तो बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, किस तरीके से काम होता है, वो सब चीज से रिलेटेड हम अपने इस कोर्स में बात करते हैं, है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें, इंक्वायरी कर सकते हो 8868692601 8169260037 पे, और साथ में काम करना है तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके साथ में काम कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जुपिटर वैगन लिमिटेड की हम बात करें तो यहाँ देखिए, कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड इज प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेटल फैब्रिकेशंस, कॉम्प्रोमाइजिंग लोड बॉडीज फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, रेल फ्रेट वेगन्स एंड कंपोनेंट। तो यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, वेगन्स बनाती हुई नजर आ रही है, हरा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो यहाँ पर लोड बॉडीज होती है वो यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट पर आप विजिट कर लीजिए, आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी। यहाँ देखिए जो इनका पोर्टफोलियो है, वो शिपिंग कंटेनर्स भी बनाती है, रेलवे के यहाँ पर वैगन्स हो गए, यहाँ स्किप लोडर यहाँ पर बनाते हैं, गार्बेज बिन कलेक्टर हो गए, आपने देखे होंगे जो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होते हैं। ठीक है, ट्रूप कैरियर हो गए, व्हीकल्स बॉडीज हो गई, प्रिजन वैन, यहाँ पर प्रिजन वैन बॉडीज हो गई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड ये इस तरीके का काम करते हुए नजर आते हैं। जाके एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको बहुत सारी सब चीज़ें समझ में आएगी, जैसे रेलवे फ्रेट कार्स ये बनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जुपिटर ये इस तरीके से कंप्लीट मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, रेलवे के लिए अच्छा खासा काम यहाँ पर कर रही है, और रेलवे के स्टॉक आपको पता ही है किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लीजिए, सब चीज़ यहाँ पर समझ, देखिए ये पूरा का पूरा वेगन हो गई। ठीक है, जो मालगाड़ी हो गई उसका जो वेगन्स हो गए वो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो ट्रेन में यहाँ पर लगता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, कमिंग सून की बात करें, पैसेंजर जो कोच है ये भी यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, जो यहाँ पर ट्रैक होते हैं वो ट्रैक से रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े लोडर्स होते हैं उसमें के जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये बनाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर हर जगह पर इनका काम है। तो ये देखिए ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है ना ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, हर तरीके से ये कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, और ये चीजें तो चलनी है, और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इन चीजों की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। तो अच्छी खासा बिजनेस मॉडल समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पर जुपिटर वैगन से रिलेटेड, तो यहाँ देखिए मिड कैप शेयर है, 28,516 करोड़ रुपए का शेयर है। तो हम जब मिड कैप की बात करें तो रिस्क को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जब शेयर भाग रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शेयर देखिए कैसे 16 रुपए 17 रुपए वाला स्टॉक 700 रुपए के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये भी देखिए कि 2010 में कहाँ पर ये 1,100 रुपए के आसपास का शेयर था। ठीक है, और उसके बाद काफी सालों तक तो इसी भाव पे 5-7-10 रुपए के भाव पे रहा है। तो इस चीज को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना, मिड कैप शेयर इसी तरीके से बिहेव करते हुए नजर आते हैं। पी की बात करें 85 का पी है, इंडस्ट्री का पी 44 का, तो लगभग बड़ा महंगा नजर आता है, डबल के आसपास का पी हो रहा है। तो पी के बेस पे कभी काम नहीं करते, मैं हमेशा कहता हूँ, बट ये भी मैं हमेशा कहता हूँ कि पी को इग्नोर भी नहीं करते। ठीक है ना, तो महंगा है तो महंगा है। इसके अलावा ROC ROE की बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पर नजर आता है। और चीजों की बात करें तो यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी हुई है ना, लास्ट क्वार्टर का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 21% से बड़ा, रिटर्न ऑन एसेट अच्छा खासा है, डेट कुछ खास यहाँ पर है नहीं, 10 की फेस वैल्यू भी है शेयर की,
छोटा मोटा डिविडेंड भी यहाँ पर देती हुई नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा क्या कि इस कंपनी के नंबर पे थोड़ा नजर मार लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि 56 करोड़ रुपए से सेल्स किस तरीके से बढ़ी है कि 1113 करोड़ रुपए ही सेल्स तक पहुंच गए। इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो घाटे में था कभी, यहाँ पर आप देखिए 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया है। मार्जिन कंपनी के यहाँ पर 13-14% तक का मार्जिन यहाँ पर अचीव कर लिया है। ठीक है, ओवरऑल हम बात करें कंपनी हाईएस्ट एवर सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी का यहाँ पर देखिए, जो बिल्कुल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था अब एक साथ ही सुधरता हुआ नजर आया। जैसे ही एक गवर्नमेंट आई जिसने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इस भारत की प्रगति पर ध्यान दिया, ये शेयर भी उसी तरीके से यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आते 333 करोड़ का प्रॉफिट तक पहुंच गए। रिजर्व्स की बात करें 1200 करोड़ के रिजर्व्स भी है। रिजर्व्स का क्या फायदा, आने चल के बोनस मिल सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बोरिंग बात करें तो बोरिंग कुछ खास नहीं है ना, जिस तरीके से कंपनी के नंबर्स है उसके तरीके से नॉर्मल है। 338 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में 29 करोड़ इन्वेस्टमेंट, लगभग 452 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। कैश भी है 180 करोड़ रुपए का, छोटा मोटा 4 करोड़ रुपए के आसपास का लोन देना शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं और थोड़ा आगे तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पर देखिए हिस्सेदारी बढ़ाई है। 2021 में कहाँ 60% थे, अभी 70% पे हो गए हैं। ठीक है, बीच में 74 हो गई थी, बट थोड़ा थोड़ा इन्होंने माल निपटाया है। FIs की बात करें, FIs जो बिल्कुल नहीं थे अब FIs को भी समझ में आ गया था, उन्होंने भी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा ली। DIs की बात करें, DIs के बाद अच्छी खासी होल्डिंग थी, वो धीरे धीरे करके निकले भी है और अभी थोड़ी सी हिस्सेदारी 2% के आसपास की है। पब्लिक के पास शेयर यहाँ पर कमी हुए हैं, बट स्टिल 25% की हिस्सेदारी है, उसमें से भी कुछ बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी लेके रख रखी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कंपनी का बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती ही रहती है। थोड़ा सा ओवरऑल बिजनेस मॉडल हमें समझ में आया, एज वेल एज हमें समझ में आया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नजर आते हैं। तो अब थोड़ा सा चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप अपने हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो जाके देखनी है और यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, नंबर को नोट कर सकते हो, साथ में काम करना है तो काम भी कर सकते हो। और मेरे कहने या किसी और के कहने पर शेयर को लेना नहीं है, चीजों को देखना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज एक न्यूज आई है, क्या न्यूज आई है, न्यूज ये आई है कि इन्होंने एक माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया है। क्या एक पर्टिकुलर कंपनी है लॉन्ग मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ इनका वेंचर था, ठीक है, उनके साथ में यहाँ पर मिल इनकी सब्सिडरी कंपनी है उनके साथ मिल यहाँ पर ये इन्होंने आर लिथियम आयन फॉस्फेट जो बैटरी टेक्नोलॉजी है ना, जो इनहेंस द एफिशिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ इन इंडिया, तो इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है ना उसमें यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आएगी। जाके एक बार यहाँ पर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि सक्सेसफुल कंपनीशन ऑफ 6 मंथ ट्रायल ऑफ इट्स 1.2 किलो वॉट यहाँ पर जो ये LFP लिक्विड यहाँ पर देखिए लिक्विड आयन फॉस्फेट है ना जो ये बैटरी है इसका फॉर रेल कोचेस मेक जुपिटर फॉर फर्स्ट कंपनी टू रिसीव सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे रिलेटेड कंपनी ने काम किया है, उससे रिलेटेड इन्हें सर्टिफिकेट मिला है, तो एक माइलस्टोन अचीव किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इन्हें सीमेंस के थ्रू यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है और टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन वाई बेल उससे रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें इसी ये कंपनी ने एक अच्छा खासा काम करते हुए नजर आ रही है, थोड़ा सा हटके भी काम कर रही है जो कि अच्छी बात है। बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड, ठीक है, चार्ट क्या कह रहा है, तो चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आई है, शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया है। ठीक है, अभी यहाँ पर ब्रेकआउट पहले भी हुआ था, फिर दोबारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ऊपर जा रहा है, तो अभी क्या नजर आता है, अभी मुझे नजर आता है कि शायद थोड़ी सी तेजी और बाकी है। ठीक है, बट स्टिल क्या हमें लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है, लेवल दूंगा, उन लेवलों को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी अगर क्या है, शेयर अभी 52 वीक हाई पे और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जब हाई पे चाहिए लेते हैं ना तो स्टॉप लॉस को हमेशा ध्यान में रखता है, क्यों, क्योंकि अगर चीजें यहाँ से रिवर्स हुई तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नीचे भी आ जाए। तो इसलिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस बताऊंगा जो कि यहाँ पर एक वैलिड स्टॉप लॉस रहेगा 660 रुपए का। ठीक है, 692 पे चल रहा है, 3200 रुपए का एक स्टॉप लॉस, लगभग 5% का आसपास का 4% के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनेगा। शेयर जैसे और जैसे ही शेयर यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल को 722 के लेवल को निकालेगा तो यहाँ पर एक तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है ना, शेयर यहाँ पर स्टेज टू में चल रहा है, स्टेज टू क्या होती है, स्टेज 1 2 3 4 क्या होती है, कोर्स में हम बताते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। और
अभी अच्छा नजर आता है, फाइनेंशियल अच्छे खासे है और मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ पर आने वाले क्वार्टर में भी ठीक ठाक यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।